आपने बब्बर शेर की फोटो देखी होगी, टीवी पर आती है, इंटरनेट पे आती है। बब्बर शेर बहुत लोगों ने देखा, मगर रोजगार एक व्यक्ति को नहीं मिला। और वही बात यहां पे बोल रहे हैं, ममता जी कहती है 60-70 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। यहां कोई है जिसको ममता जी या मोदी जी ने रोजगार दिया? कोई एक है यहां पे? नहीं। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने ममता जी की मदद की और ममता जी ने हमसे और बंगाल से वायदा किया रोजगार से काम करूंगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगी। और जब वो चीफ मिनिस्टर बनी सबके सब वायदे भूल गए। मोदी जी ने कहा था बहुत भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में, बहुत काला धन है। और यहां कलकत्ता में कहा था चले नरेंद्र मोदी को आपके प्रधानमंत्री बना दिया तो नरेंद्र मोदी काला धन वापस ले आए। जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है, इंग्लैंड में पड़ा है, पैनामा में पड़ा है, वो सब नरेंद्र मोदी वापस ले आए। और लाने के बाद वो धन सरकार के हाथ में नहीं होगा, वो धन नरेंद्र मोदी आपके हाथ में गए। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाल के दिखाए। अब पूरा हिंदुस्तान सुना और हिंदुस्तान ने कहा देखो भाई 15 लाख की बात की है, शायद 15 लाख रुपए मिल जाए और वोट डाला। 15 लाख रुपए किसी को मिला यहाँ? कोई है यहाँ पे जिसको 15 रुपए दिया हो मोदी ने, मोदी जी ने? ठीक है, फिर कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में बैठा था अरुण जेटली जी बजट की बात कर रहे थे, खड़े होते कहते देखो देखो हिंदुस्तान में काला धन बहुत है। और मोदी जी ने मुझे कहा है कि एक नई योजना लानी है तो मैं वो प्रपोज कर रहा हूं। खड़े होते कहते हैं कि देश में जिसके पास भी काला धन है कोई चेक नहीं होगा, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, आतंकवादी हो, ड्रग डीलर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास काला धन है चाहे वो मोदी जी के पास और अरुण जेटली जी के पास भारत सरकार के पास आए, हमें बता दें कितना काला धन है, थोड़ा सा टैक्स दे और हम उसके लिए उस काले धन को समेट करते। कमाल की बात, एक तरफ आप कहते 15 लाख रुपए जनता को दोगे और दूसरी तरफ आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जिसके पास भी काला धन है उसको हम सफेद कर देंगे। और मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी से सवाल पूछा, मैंने पूछा मोदी जी आप मेरे लवली स्कीम जो लाए हो ये किसके लिए लाए हो? ये हिंदुस्तान की जनता के लिए लाए हो या गुंडों के लिए, चोरों के लिए, ड्रग डीलर्स के लिए, आतंकवादियों के लिए लाए हो? मोदी जी खड़े होते एक घंटा भाषण दिया, सब चीज पे बोले, मगर जो मैंने सवाल पूछा था फेयर एंड लवली स्कीम का सवाल पूछा था, 15 लाख का सवाल पूछा था, उसमें मैंने एक शब्द नहीं बोला। नेहरू जी को कोट कर दिया, इंदिरा गांधी जी को कोट कर दिया, राजीव गांधी जी को कोट कर दिया, मगर मेरे सवाल को कोट नहीं किया, जवाब नहीं किया। इस तरह ममता जी है, कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी, हर सरकार का कोई ना कोई चिन्ह
चिन्ह होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई निशान होता है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, बीजेपी के लोगों से कहा कि देखिए आपकी जो सरकार है वो सुख फूट की सरकार है, और पूरे हिंदुस्तान से सुना सुख फूट की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान से सुना। जब मैं किसानों के पास जाता हूं भी फतराते हैं, कहते बिल्कुल आपने सही बोला, सुख फूट की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है। तो हर सरकार का कुछ ना कुछ कोई ना कोई चिन्ह होता है। तो मैं आया कुछ दिन पहले कलकत्ता आया और यहां एक फ्लाईओवर बना, शायद कैंटोली एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 साल में फ्लाईओवर एक ही काली नहीं बढ़ता है। जैसा फोटो होती है ना, जैसे सेल्फी होती है मोदी जी, वैसा वही ना वही 5 साल से पड़ा हुआ हिलता नहीं है। हिलता कब है? 5 साल के बाद ममता जी के जो वर्कर थे, ममता जी के जो एमएलए थे, उनके रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने उसके अंदर खराब सीमेंट डाला, लोहा खराब डाला, तो 5 साल के बाद वो धड़ाम से फ्लाईओवर गिरा, जैसे ममता जी की सरकार गिरने वाली है। चोट किसको लगी? वो जो तृणमूल का एमएलए था उसको नहीं लगी, वो जो तृणमूल के लोग टेलीविजन पर आए पैसा लेते हुए, क्या नाम नाम क्या होता है, कैंप का नाम क्या है, क्या हाँ ये उनको चोट नहीं लगी, कलकत्ता की जनता को चोट लगी, मरा कौन? वहां पर राजनेता नहीं मरा, कोई साइकिल चला रहा था, कोई महिला पैदल जाकर दुकान में जा रही थी, कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा था, वो दबा कुचला मरा, चोट उसको लगी, चोट कलकत्ता की जनता को लगी। अगले ममता जी क्या कहती है, कहती है देखो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, तो 5 साल आपने कार्रवाई नहीं की, जब आपके एमएलए को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तब आपने कार्रवाई नहीं की, जब आपके एमएलए ने खराब सीमेंट का प्रयोग किया तब आपने कार्रवाई नहीं की, अब 5 साल बाद जब फ्लाईओवर गिर गया लोग मर गए आपका टाइम आ गया सरकार बदलने वाली है, तो आप कहती हो मैं कार्रवाई करूं। अब कार्रवाई कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन करेगा। रोजगार की बात, 70 लाख लोगों को कहा कि रोजगार दूंगी, किसी को रोजगार नहीं दिया। रोजगार का मतलब क्या? रोजगार का मतलब आपके जेब में पैसा आए। ममता जी ने उल्टा किया, आपके जेब में पैसा नहीं डाला, जो आपके जेब में था वो खाते ले गए। आपकी जो सेविंग थी, जो गरीब लोगों की सेविंग थी, आपने आस्ते 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 बचत की, वो ममता जी की आज्ञा ने शारदा स्कैम के माध्यम से आपके जेब से उठा के ले गए।